नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं राजस्थान पटवार भर्ती के जो न्यू टॉपिक वाइज सिलेबस है दोस्तों वो जारी हो चुका है। तो दोस्तों इसमें बहुत सी मोटी मोटी बातें निकल के आ रही है। सबसे बड़ी बात तो दोस्तों जो सिलेबस है वो पूर्णतः मतलब बिल्कुल लगभग चेंजिंग हो चुका है जो पहले का पैटर्न था उस अकॉर्डिंग पूरा टॉपिक वाइज सिलेबस मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो राजस्व विभाग से जारी हो चुका है। उसकी योग्यता, उसकी एज लिमिट, उसकी जो टोटल इन्फॉर्मेशन है पटवारी रिलेटेड वो सारी आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। मेरे पास जो रेवेन्यू का जो विभाग का जो एमेंडेटेड है वो मेरे पास आपके पास अपलोडेड है। तो इसके एक एक टॉपिक के बारे में हम इसमें फुल इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम टॉपिक वाइज शुरू करते हैं। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन चैनल पर जॉब रिलेटेड अपडेट वीडियोज बनाते रहते हैं तो के अपलोड होते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों अब ये जो सुबह की जो खबर थी आज उसमें भी मैंने वीडियो बना दिया था कि नए नियम लागू हो गए, इसी माह शुरू हो सकती है प्रक्रिया। और दोस्तों इसमें टोटली देखो 3745 पदों पर 3835 पद और 3745 पद खाली है। तो इस पदों पर भर्ती आने वाली है। तो इस रिलेटेड न्यूज़ तो आज सुबह से ही आ रही थी लेकिन दोस्तों इसका जो रेवेन्यू एमेंडमेंट है वो राजस्व विभाग से जारी हो चुका है। तो हम सीधा चलते हैं उस नोटिफिकेशन में जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से जारी किया गया गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के थ्रू 21/11/2019 को जारी हुआ था लेकिन ये आज पब्लिश होकर हमारे सामने आया है। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है जो बेरोजगार थे राजस्थान में उनके लिए, क्योंकि लंबे टाइम से हमें एक बहुत अच्छी और बड़ी भर्ती देखने को नहीं मिली। तो यहाँ पे ये आपके सपने साकार दिखते हुए दिख रही हैं। यहाँ पे लगभग 4000 पदों की भर्ती आप अप्रॉक्स मान सकते हैं क्योंकि 3800 की बात हो रही है और 500 पद अभी और इंक्रीज होने की संभावना है। तो इतनी बहुत ही अच्छी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों इस नोटिफिकेशन की बात करें तो इसमें सारे पटवारी से रिलेटेड जितने भी इशू हैं सारे इशू इसमें क्लियर कट बताए गए हैं और इसमें यही कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रखी। दोस्तों सबसे पहले इसमें जो मैंने एनालिसिस किया इसके मेन टॉपिक्स पर बात करेंगे हम। मेरा जो पहला टॉपिक है दोस्तों इसमें आपके जो एग्जाम्स है दोस्तों इसमें जो पहले जो गए साल जो प्री हुआ था मेंस हुआ था उस टाइप का इस बार मेथड नहीं रहने वाला है। इस बार आपका कंप्लीटली एक ही एग्जाम होगी और उसी से आपका सिलेक्शन होगा। तो मेन एग्जाम एक ही होने वाला है, अब एक ही एग्जाम से आपका इसमें सिलेक्शन होगा। पहला इशू तो ये क्लियर हुआ दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों एज लिमिट की, कई बार 18 ईयर मिनिमम मैक्सिमम 14 ईयर, उसके बाद ये जो छूट है वो मिलेगी महिलाओं को 5 साल, एस सी एस टी को 5 साल की। जो मेन टॉपिक्स हैं दोस्तों उसके बारे में आपको बताते हुए आगे निकलेंगे हम। इसमें कम्प्लीटली सारी जो भर्ती रिलेटेड अपडेट हैं आरएसएस भी बोर्ड करवाएगा और इसमें भर्ती प्रक्रिया वही है, एक ही एग्जाम से होगा सिलेक्शन। और इसमें पटवारी के साथ साथ और भी जो राजस्व के पद हैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई, लेकिन हम जो हमारे पटवारी संबंधी मोस्टली इंफॉर्मेशन जो बात है उसी को हम देखेंगे। तो सर चलते हैं हम पटवारी की जो नोटिफिकेशन में उसमें कहाँ लिख रखा। हाँ दोस्तों ये रहा, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में थोड़ा पीडीएफ में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है तो इसलिए टेढ़ा है, लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूँ मैं इंक्रीज करके पटवारी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। और यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है बैचलर डिग्री जो फ्रॉम यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, मतलब जो बैचलर डिग्री है ग्रेजुएशन है वो होनी चाहिए या फिर लास्ट ईयर में कम्प्लीटली अध्ययनरत होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको जो कंप्यूटर एलिजिबिलिटी की बात की जाती है वो ओ लेवल, कोपा, डीपीसीएस या फिर डिग्री डिप्लोमा जो है उसमें आपका कम्प्लीटली होना चाहिए, मतलब कंप्यूटर एजुकेशन भी है आप तो कम्प्लीटली उसके लिए वैलिड माना जाएगा। अब दोस्तों पटवारी भर्ती में और इसमें जो योग्यता है उसमें जो कंप्यूटर साइंस का 3 ईयर का डिप्लोमा है वो डिग्री और एक आरएससीआरटी को मना ही किया है क्योंकि गए साल ये विवाद रहा था कि आरएससीआरटी से ऊपर की जो योग्यता थी उन्हें अपात्र किया गया, तो लगभग 300-400 याचिकाएं दर्ज हुई थी। तो इसलिए इस बार इन सबको कोर्स को लिया गया है जो 12th में कंप्यूटर एप्लीकेशन जिनसे कंप्यूटर साइंस का जो सब्जेक्ट था वो भी उनके लिए भी आरएससीआरटी कंपलसरी नहीं है। तो ये भी बात इसमें पूरी कंप्लीटली निकल के सामने आ रही है। अब बात करते हैं दोस्तों हम सिलेबस में, मैं आ चुका हूँ सिलेबस में जो एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप ऊपर देख पा रहे होंगे सिलेबस स्कीम एंड सिलेबस फॉर रिटन एग्जाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द पटवारी, मतलब इसके पोस्ट पर आपको टोटल 5 पार्ट में बांट दिया गया है इसको। सबसे पहला पार्ट में आपको जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, मतलब इसमें आपको टोटली इंडिया का जो जीके है वो सारी चीज़ें इसमें आगे टोटल 25 नंबर का ये देखने को मिलेगा। उसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर इसमें राजस्थान का 20 नंबर का देखने को मिलेगा, इंडिया का 25 नंबर, राजस्थान का 20 नंबर का। जनरल इंग्लिश और हिंदी 15 नंबर की मिलेगी। मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और बेसिक जो मतलब अंकगणित जो क्वेश्चन आते हैं वो 30 नंबर के आपको देखने को मिलेंगे और बेसिक कंप्यूटर में इसमें 10 नंबर का ऐड किया गया, मतलब जो पहले की तरह जो मैथ्स के ज़्यादा क्वेश्चन रहते थे उनका जो वेटेज ज़्यादा था इसको बिल्कुल ही मिलकर रीजनिंग वगैरह से मिक्स करके और ये पूरा एक तरह से प्री बीएसटीसी का जो सिलेबस था 5 पार्ट्स में अलग अलग उसको पूरा रूप दे दिया
दिया गया है। कुल मिला के जो एवरेज स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ही अच्छी फायदेमंद रहने वाला है, और जो मैथ में मजबूत है उनके लिए थोड़ा सा लॉसेज भी है, लेकिन फिर भी उनके हाथ में अभी 30 नंबर का जो है वो वेटेज सबसे हाईएस्ट ही है। बाकी आप इंडिया जीके राजस्थान जीके पे आपको ध्यान देके आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अब इसमें देखिए दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है पटवारी में, उसके लिए किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बाकी जो सिलेक्शन बोर्ड होगा वो जो जारी करेगा वो सिलेबस फाइनली रहेगा, फिलहाल राजस्व डिपार्टमेंट ने ये इन्फॉर्मेशन दी है। तो और भी जो नोटिफिकेशन आएगा उसका भी वीडियो बना के मैं अपलोड करूँगा, तो उस टाइम और हमारे जो इश्यूज हैं वो लगभग क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं सिलेबस की। दोस्तों सिलेबस में जैसे हमने देखा पहला टॉपिक है वो जनरल साइंस का ज्योग्राफी, उसमें देखने का जनरल साइंस में देखिए विज्ञान के आधारभूत, दैनिक विज्ञान, मानव शरीर, स्वास्थ्य देखभाल आदि रहेंगे। प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास की प्रमुख घटनाएं, ऐतिहासिक भारतीय संविधान आगे शासन प्रणाली आगे, भारत की भौगोलिक विशेषताएं, समसामयिक राष्ट्रीय घटना, मतलब करंट अफेयर से लगाकर सारी चीज़ें आ गई पार्ट वन में जो इंडिया से रिलेटेड हो सकती है। दूसरे पार्ट में आपका राजस्थान आ गया जिसमें इतिहास, सांस्कृतिक, कला, साहित्य, संस्कृति, विरासत, पर्यटन स्थल, व्यक्तित्व, ये पूरा मतलब राजस्थान का आ गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट आपका सामान्य हिंदी का आ गया जिसमें आपको जो पहले की तरह हिंदी आती थी वो ये सारे जो उपसर्ग, प्रत्यय, संधि विच्छेद, उसके बाद शब्द युग्म, पर्यायवाची शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, तो सामासिक पद, वो रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए। वही इंग्लिश में भी दोस्तों वही आपका जो पूरा है अनसीन पैसेजेस, करेक्शन एरर, जो कॉमन एरर, करेक्ट यूसेज, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो पूरे आपको इसमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद मेंटल एबिलिटी और जो मैथमेटिक और जो रीजनिंग को मिक्स करके जो बनाया गया है उसमें भी आपको टोटली जो ब्लड रिलेशन है, डायरेक्ट सेंसिंग टेस्ट, इनपुट नंबरिंग रिलेटेड मतलब अंकगणित के क्वेश्चंस, और उसके साथ जो रीजनिंग आती है जो उस टाइप के पूरे सारे क्वेश्चंस आपको जो सामान्य गणित रिलेटेड होते हैं वो आप आराम से बुक्स में देख के ये परसेंटेज, एरिया, वॉल्यूम, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और उसके बाद बेसिक कंप्यूटर भी इसमें 10 नंबर का ऐड किया गया, रैम, रोम, एमएस ऑफिस और उस रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस बार की जो चेंजिंग है लगभग हमने देख लिया, इसमें सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और एज लिमिट, रिक्रूटमेंट, एक ही एग्जाम होगी और इससे रिलेटेड और भी जल्दी नोटिफिकेशन जारी होगा। जैसे ही बोर्ड से नोटिफिकेशन आता है हम जरूर इसको वीडियो बना के और आपको अपलोड करेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों मिलेंगे अगले और किसी वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर दीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर दीजिए। मिलेंगे अगले और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।